नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया आप सभी का लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, इस बार दिसंबर 2019 में, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 2019 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित होनी है, और इसमें यदि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि दिसंबर 2019 में नेट के साथ साथ आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए, तो आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है और न ही किसी से नोट्स लेने की आवश्यकता है। हम आपको बता रहे हैं, जो हम बुक्स उपलब्ध करा रहे हैं उसका नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए दोस्तों। फिर हम आपको जो है ये क्वेश्चन आंसर भी देंगे, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी आपको देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो बुक हम उपलब्ध करा रहे हैं वो बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रिसर्च पर आधारित बुक है और इस बुक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम पीडीएफ फॉर्म में दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, पीडीएफ, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आप जो है अध्ययन कीजिएगा। तो पूरी तरह से मुझे विश्वास है कि इस बार दिसंबर 2019 में आप नेट नहीं बल्कि जेआरएफ भी क्लियर कर लेंगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। और मैं पूरा हर चीज का आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा। ये बेस्ट बुक है और वो हम बता रहे हैं कि किस तरह से आपका जो है रिसर्च प्रोसेस, यानी कि स्टेप्स ऑफ द रिसर्च के बारे में हम आपको किताब उपलब्ध करा रहे हैं, साथ ही साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जो है अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं पहला स्लाइड क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर रिसर्च का जो मेथोडोलॉजी है और डिजाइन है, इसी में से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और यही कठिन होता है दोस्तों, यही कठिन होता है। तो हम आपको यहां पर बता रहे हैं, देखिए क्या दोनों का कितना बड़ा महत्व है, यानी कि मेथोडोलॉजी में मेथड, टेक्निक एंड टूल्स आते हैं। इस जो हम आपको बता रहे हैं, जो मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी का मतलब होता है कि रिसर्च मेथड, साथ ही साथ टेक्निक, रिसर्च टेक्निक और उसके बाद में टूल्स, ये तीनों मिलकर जो है मेथोडोलॉजी कहलाता है। और इसके अलावा डिजाइन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस किताब में आपको कम से कम 70 से 80 पेज का ये बुक है, उसको आप जो है पूरी तरह से पढ़ें, शुरू से पढ़ें और उसका नोट्स बनाते जाएं। जैसे मैंने कहा कि मेथोडोलॉजी को तीन रूप होता है इसका, मेथड, टेक्निक एंड टूल्स, ये तीनों को मिला देते हैं तो मेथोडोलॉजी होता है। डिजाइन, आप रिसर्च करने के पहले, डाटा कलेक्शन करने के पहले आपको एक डिजाइन करना पड़ेगा, रिसर्च डिजाइन, उसी डिजाइन के आधार पर आप जो है डाटा कलेक्शन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और फिर जो है हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करेंगे। देखिए यहां पर इसलिए दोनों का महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है हमारे रिसर्च में। जब अनुसंधानकर्ता अपनी अनुसंधान समस्या से संबंधित उद्देश्यों और परिकल्पनाओं को निरूपण करता है, देखिए आप जब अनुसंधान समस्या को प्राप्त करते हैं तो शोध का उद्देश्य और शोध का जो हाइपोथेसिस आपको बनाना पड़ता है, तब वह अपनी परिकल्पनाओं का अनुभव परक एम्पिरिकल सत्यापन करना चाहता है, यानी कि परिकल्पनाओं पर आधारित जो है डाटा कलेक्शन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दोबारा मैं बता दे रहा हूं, जो जो आपने हाइपोथेसिस किया है, यदि मान लीजिए आप एम्पिरिकल रिसर्च करना चाहते हैं तो उसका अनुभव परक सत्यापन करना बहुत जरूरी है, टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। और अनुभव परक सत्यापन के लिए परिकल्पनाओं से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों की आवश्यकता होगी, इसलिए आप डाटा कलेक्शन करेंगे अनुभव परक सत्यापन करने के लिए। यह तथ्य और आंकड़े किस योजना या अनुसंधान व्यून विधि के आधार पर एकत्र किया जाए, जो आप तथ्य और आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे, यानी कि आप उसको प्राप्त करेंगे, तो आपको सबसे पहले प्लान बनाना पड़ेगा, फिर उसका जो है स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा और फिर परिकल्पनाओं की वैज्ञानिक और अनुभवपरक जांच की जा कर सके उसको जो है। ध्यान दीजिएगा, इसको आप देखेंगे किस तरह से बढ़िया शब्द लिखा हुआ है। देखिए ये तो दोनों महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ पर उद्देश्य परिकल्पनाओं का निरूपण करेंगे,
जब आप निरूपण करेंगे तो अनुपरक सत्यापन करना होगा, फिर अनुपरक सत्यापन करने के लिए आपको तथ्य आंकड़ा की आवश्यकता होगी, फिर तथ्य आंकड़ा को जो है आप योजना बनाएंगे और स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, फिर उसी को जो है इसका जांच करेंगी। विश्वसनीय और वैध परिणाम प्राप्त किया जा सकता है जब आप उसका जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसका जो योजना बनाकर स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो परिकल्पनाओं की वैज्ञानिक अनुपरक जांच करने के लिए जो है आपको विश्वसनीय और वैध परिणाम प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये है, इस तरह से आपको जो है नोट्स बनाना है। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको जो है समझ में आएगा नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। देखिए, जब आप ये सारा चीजें काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके जो जो पद होता है मेजर स्टेप ऑफ रिसर्च, जो हमने लाइव क्लास में भी जो है विस्तार से आप लोगों को पढ़ाए हैं, समझाने की कोशिश किया है, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अनुसंधान समस्या का चयन सबसे पहला स्टेप आता है। हम इसको जो है मुख्यतः तीन तीन भागों में बांट देंगे, तीन भागों में बांट देंगे। यदि इसको तीन भाग में नहीं बांटेंगे तो इसको एक कह सकते हो, इसको एक कह सकते हो, इसको दो कह सकते हो, इसको तीन कह सकते हो। लेकिन ये मुख्य पद को हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर जब मुख्य पद आता है तो सबसे पहला काम आता है अनुसंधान समस्या का चयन। इसी के अंतर्गत जो है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में संबंधित प्रत्ययों का परिभाषीकरण करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन करना आपको अनिवार्य है। दोस्तों, ये आपको जो है स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, इसके आगे पद क्या है। फिर इसी में अनुसंधान की सीमाएं आएगा, उपकल्पनाओं का निर्माण आएगा, ये सब क्रम है, ठीक है। उपकल्पनाओं का निर्माण आएगा, यहाँ पर उद्देश्य आ जाएगा, ये उद्देश्य भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पार्ट हम मांग लेते हैं कि प्रक्रिया विधि अनुसंधान अभिकल्प, यानी कि मेथोडोलॉजी और डिजाइन सेकेंड पोजिशन में आएगा, ठीक है। ये हाइपोथेसिस बना लेंगे, चूंकि जब आप उद्देश्य और हाइपोथेसिस बनाएंगे उसी को जो है सत्यापित करने के लिए आपको जो है मेथोडोलॉजी और डिजाइन करना पड़ेगा। तो अनुसंधान कितने प्रकार का होता है, किस अनुसंधान के अंतर्गत कौन से प्रकार में ये आएगा, फिर उसका डिजाइन करेंगे, फिर उसका सैंपल और सैंपलिंग लेंगे, फिर उसका सिलेक्शन और स्टडी टूल्स लेंगे, फिर चरों पर नियंत्रण करेंगे, आंकड़ों का संकलन करेंगे, आंकड़ों का फिर सांख्यिकी विश्लेषण करेंगे, यहाँ पर स्टैटिकल ट्रीटमेंट ऑफ डाटा उसको निकालेंगे। दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है जो हम बातें बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट है उपकल्पनाओं का सत्यापन, परिणामों का विवेचना करना है आपको जो है, तीसरा पॉइंट जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तो जब उपकल्पनाओं का सत्यापन और परिणामों की विवेचना करना होगा तो आपको व्याख्या और सामान्यकरण करना पड़ेगा, संदर्भ सूची बनाना पड़ेगा, प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ पर 60 में आपको जो है लाइव लेक्चर में भी बता चुके हैं और हम आपको नोट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि एक एक बात को समझ में आए। इस किताब में ये जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं मटेरियल, उस मटेरियल में ये सब चीजें दिया हुआ है पूरा विस्तार के साथ में, ठीक है। इसको आपको जो है पढ़ लेना है, इसको जब नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा, पूरा बारीकी से इसमें दिया हुआ है, उसको आपको अध्ययन करना है। दोस्तों, इसको बाद इसके बाद जो है अनुसंधान विधियों के प्रकार भी इस स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है कि जैसे ऐतिहासिक विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, सर्वेक्षण विधि है। तो ऐतिहासिक विधि हमें आपको बताए हैं कि ऐतिहासिक विधि जिसमें आपका जो है कॉज होगा, कॉज और इफेक्ट, ये दोनों चीजों को देखा जाता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान दीजिएगा, यानी कि कारण और प्रभाव को देखा जाता है। ये आपके ऐतिहासिक विधि में भी, प्रयोगात्मक विधि में भी हमने कई बार बता चुका है, तो आपको इस किताब में पूरा मिलेगा कारण और प्रभाव। यानी कि कारण और प्रभाव, यदि मान लीजिए कारण पुराना कारण हो, पास्ट का हो, पास्ट का कारण है और उसका उसका इफेक्ट जो है वर्तमान में दिखाई दे रहा है, ठीक है। पास्ट से हम तुलना करते हैं वर्तमान प्रभाव को जो है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए मुगल काल में जो विधि व्यवस्था थी, क्या वर्तमान समय में उसका क्या इफेक्ट है, क्या वो लागू है या उसको लागू किया जाए। तो जब इसका जो है काज पुराना हो और इफेक्ट वर्तमान में हो रहा हो तो उसको हम ऐतिहासिक विधि कहते हैं, ठीक है। भविष्य काल को समझाने के लिए भूतकाल का विश्लेषण, देखिए इसका संबंध भूतकाल से तो है लेकिन भविष्य काल को समझाने के लिए भूतकाल का विश्लेषण करते हैं तो उसको ऐतिहासिक विधि कहते हैं। दूसरा, प्रयोगात्मक विधि में भी कॉज और इफेक्ट होगा लेकिन कॉज जो होगा
काज और इफेक्ट जो होगा वो वर्तमान समय का होगा, वर्तमान समय की स्थिति पर आधारित होगा और साइंटिफिक होगा। तो हम कहते हैं इसको जो है प्रयोगात्मक विधि, वर्तमान स्थिति में होना चाहिए। भविष्य की बात करता हो, वर्तमान और भविष्य की बात करता हो तो प्रयोगात्मक विधि हो जाएगा, उसका कॉज और इफेक्ट जो है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से दो या अधिक तत्वों के संबंध की व्याख्या करना है। यहाँ पर चर होगा, दो चर होंगे, एक चर यहाँ पर होगा, एक चर यहाँ पर होगा। हो सकता है कि ये आपका जो है स्वतंत्र चर होगा और दूसरा जो है आश्रित चर होगा। ये दो चर का होना बहुत जरूरी है आपके जो है प्रयोगात्मक विधि में, क्योंकि अधिक तत्वों को जो है दो या दो से अधिक तत्वों के संबंध की व्याख्या करना होता है। तो ये किताब में पूरा दिया हुआ है। सर्वेक्षण विधि का मतलब इसका संबंध वर्तमान से होता है तथा इसके अंतर्गत अनुसंधान के विषय के स्तर को निर्धारित करने के लिए, अनुसंधान के विषय के स्तर को निर्धारित करने के लिए वर्तमान स्थिति क्या है, टोटल वर्तमान स्थिति पर जो है सर्वेक्षण विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। आप इस किताब में पूरा रिसर्च के जो है स्टेप भी मिल जाएगा, उसका प्रोसेस जिसको कहते हैं प्रक्रिया भी मिल जाएगा, इसका प्रकार मिल जाएगा, अनुसंधान विधि के टाइप्स मिल जाएंगे और भी बहुत सारी जानकारी जो है उन्होंने उदाहरण भी बताया है, जो रिसर्च किया है रिसर्च का उदाहरण भी आप देख सकते हैं किस तरह से डाटा कलेक्शन किया है, उसका एनालिसिस किया है। तो हमने आपको जो है ये पीडीएफ जो है आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन में चाहिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको एक एक लाइन पढ़कर जो है आपको जो है एक नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हमने नोट्स बनाने का तरीका भी बता दिया है ताकि इसी प्रकार से नोट्स बनाएं। यदि आपको ये लाभकारी सिद्ध हो रहा है तो आप जरूर बताएं कि और पीडीएफ डालें और आपको जो है जो अच्छी अच्छी मटेरियल्स हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं आप तक पहुंचे, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। जितना ज्यादा लाइक उतनी ज्यादा हम जो है आपको जो है प्रोत्साहित होकर जो है पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहा है तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।